ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत विकास परिषद की ओर से रामपुर में स्कूली छात्रों में पुरातन संस्कृति परंपरा और भारतीय की भावना तैयार करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गई। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के बच्चों ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि स्कूली छात्रों में संस्कृति से जुड़ी प्रतियोगिताएं कराकर उनमें रुचि पैदा करने के साथ साथ इसका प्रसार और प्रचार भी करना है। भारत विकास परिषद की ओर से रामपुर में स्कूली छात्रों में पुरातन संस्कृति परंपरा और भारतीय की भावना तैयार करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गई। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के बच्चों ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि स्कूली छात्रों में संस्कृति से जुड़ी प्रतियोगिताएं कराकर उनमें रुचि पैदा करने के साथ इसका प्रसार और प्रचार करना है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को हमारी संस्कृति और इतिहास को नजदीक से समझने व अनुसरण करने का मौका मिलता है। आयोजकों ने बताया कि इसी अभियान के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 3 नवंबर को रामपुर में करवाई जा रही है। इस समारोह के मुख्य अतिथि डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने बच्चों को देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए आज अत्यंत आवश्यकता है। भारत विकास परिषद के महासचिव राहुल शर्मा ने कहा कि आज रामपुर में राष्ट्रीय स्मृतिगान और भारत को जानो प्रतियोगिता कराई जा रही है। इसका उद्देश्य भारत की जो पुरातन संस्कृति और परंपरा है उसे हमारे समाज में पुनर्स्थापित करना है। इस प्रतियोगिताओं के द्वारा स्कूली बच्चों को संस्कृति और इतिहास को समझना है। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को भारत विकास परिषद रामपुर में स्कूली बच्चों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाने जा रही है। भारत विकास परिषद रामपुर की शाखा आज यहाँ पर जो ये राष्ट्रीय स्मोगान प्रतियोगिता और भारत को जानो का ये आयोजन कर रही है, ये पिछले 4-5 वर्षों से हम लगातार कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि हम स्कूल के बच्चों के माध्यम से समाज में भारत की संस्कृति को, संस्कार को, जो हमारे बीच से कम होते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं, उनको वापस वो संस्कार हमारे बच्चों में आए, उसके लिए हमारा एक ये प्रयास रहता है। और ये प्रयास हम यहाँ ही नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष में करते हैं। और शाखा डीएसपी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि भारत विकास परिषद की स्थापना भारत माता के विकास के लिए की गई है। इसमें सबको साथ लेकर चलना हमारा संस्कार है, ये संदेश बच्चों तक पहुंचाना है। इससे बच्चों को संस्कृति और भारत की परंपरा को समझने का मौका मिलेगा, बच्चों का बौद्धिक विकास भी होगा। आप सभी जानते हैं कि भारत विकास परिषद की जो स्थापना हुई है वो भारत माता के विकास के लिए है, और इसमें सबको साथ लेकर के चलना और जितने हमारे संस्कार हैं उनको आगे बढ़ाना। और इसी कड़ी में जो भारत विकास परिषद ने आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया स्मोकान का,